हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 12th के रिवीजन में लेसन नंबर 5, जिसका नाम है पृष्ठ रसायन। और आज हमें पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री का फास्ट ट्रैक रिवीजन करना है, इसकी थ्योरी का। तो सबसे पहला सवाल आता है कि सर, पृष्ठ रसायन किसे कहते हैं? ठीक है, तो ध्यान रखना है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस पदार्थों के पृष्ठों की प्रकृति एवं उन पर घटित होने वाले भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रमों का विश्लेषण किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाती है। यानी पृष्ठ रसायन में हम पढ़ते हैं किसी भी भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रम के बारे में जो किसी ठोस पदार्थ के पृष्ठ पर होते हैं। ठीक है, ठोस पदार्थ का तात्पर्य यहाँ अधिशोषक से है। किससे है? अधिशोषक। और उसके पृष्ठ पर जो भौतिक प्रक्रम होते हैं और रासायनिक प्रक्रम होते हैं, उन सब के अध्ययन को हम कुल मिलाकर कहते हैं, क्या कहते हैं? पृष्ठ रसायन। अब हम बात करेंगे अधिशोषण की। यह हमारे चैप्टर का मुख्य आकर्षण है, अधिशोषण। इंग्लिश में इसे कहते हैं एडसॉर्प्शन। तो अधिशोषण का मतलब तो आपको पता है, जब किसी एक पदार्थ के पार्टिकल या कण किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर चिपक जाते हैं, तो इस क्रिया को अधिशोषण कहते हैं। यह बात तो आपको पता ही होगी। यहाँ परिभाषा लिखी है कि ठोस पदार्थ या द्रव पदार्थ की सतह पर अणुओं का आकर्षित होना, यानी किसी दूसरे पदार्थ के अणुओं का आकर्षित होना, तथा पृष्ठ पर संग्रहित हो जाना, यानी पृष्ठ पर इकट्ठे हो जाना, अधिशोषण कहलाता है। इसे हम कह सकते हैं कि एक पदार्थ की सतह पर दूसरे पदार्थ के कणों का इकट्ठा हो जाना, चिपक जाना, इसे ही कहते हैं हम अधिशोषण या एडसॉर्प्शन। अधिशोषण एक सतही एवं तीव्र प्रक्रम है, यानी अधिशोषण होता है सतह पर, सरफेस पर, तथा तीव्र माने तेजी से होने वाला प्रोसेस है। अधिशोषण प्रक्रम में वह ठोस पदार्थ जिस पर अधिशोषण होता है, अधिशोषक कहलाता है। तो आपको इस शब्द को ध्यान रखना है, इस वाले को। अधिशोषक किसे कहते हैं? अधिशोषक वो पदार्थ होता है जिसकी सतह पर कोई दूसरा पदार्थ आकर चिपकता है, जबकि अधिशोषित पदार्थ जैसे गैस या द्रव हो सकता है, अधिशोष्य कहलाता है। अधिशोषित पदार्थ का मतलब जो आकर चिपकेगा, जो अपनी सतह पर किसी दूसरे पदार्थ को चिपका लेता है, उसे तो कहते हैं अधिशोषक। और जो सतह पर आकर चिपकता है, उसे कहते हैं अधिशोष्य। ये दोनों शब्द आपको पता होने चाहिए कि अधिशोषक का क्या मतलब है और अधिशोष्य का क्या मतलब है। अब हम बात करेंगे अधिशोषण के प्रकार की, कि अधिशोषण कितने प्रकार का होता है। आपको ये बात तो समझ में आ गई कि अधिशोषण का मतलब होता है किसी एक पदार्थ के कणों का दूसरे पदार्थ की सतह पर चिपक जाना। अब हम बात करेंगे कि अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता ही होगा कि अधिशोषण के प्रकार होते हैं मुख्य रूप से दो, एक तो भौतिक अधिशोषण और एक तो रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण में क्या होता है? इस प्रकार के अधिशोषण में अधिशोष्य, अधिशोष्य किसे कहते हैं? जो आकर चिपकेगा, तथा अधिशोषक जिसके ऊपर चिपकता है कोई आकर। इस प्रकार के अधिशोषण में अधिशोष्य तथा अधिशोषक के मध्य उपस्थित आकर्षण बल दुर्बल वांडरवाल बल होते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब कहीं भौतिक अधिशोषण होता है, तो भौतिक अधिशोषण में जो अधिशोष्य है और जो अधिशोषक है, दोनों को आपस में बांधे रखने वाला जो बल होता है, वो होता है दुर्बल वांडरवाल बल। ठीक है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में, इस प्रकार के अधिशोषण में अधिशोष्य तथा अधिशोषक के मध्य उपस्थित आकर्षण बल
प्रबल रासायनिक आबंध के तुल्य होते हैं। यानी यहां क्या होगा, रासायनिक अधिशोषण में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनेंगे। ध्यान रखोगे तो आपको पता चल गया कि अधिशोषण होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का, एक तो भौतिक अधिशोषण और एक तो रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, भौतिक अधिशोषण में जो अधिशोष्य और अधिशोषक है वे आपस में जुड़े होते हैं वांडरवाल बलों द्वारा, और रासायनिक अधिशोषण में अधिशोष्य व अधिशोषक दोनों जुड़े होते हैं आपस में रासायनिक बंध द्वारा। अब हम बात करेंगे अधिशोषण समतापी की। अधिशोषण समतापी एक गणितीय समीकरण है जो किसी निश्चित ताप पर गैसीय अधिशोष्य के दाब P एवं अधिशोषण की मात्रा के बीच संबंध बताती है, अधिशोषण समतापी कहलाती है। ध्यान से फिर समझो, एक गणितीय समीकरण होती है ये, जो किसी निश्चित ताप पर गैसीय अधिशोष्य के दाब P एवं अधिशोषण की मात्रा के बीच संबंध बताती है, अधिशोषण समतापी कहलाती है। यानी ये देखो नीचे लिखा हुआ, अधिशोषण की मात्रा को x बटे m से हम लिख सकते हैं, और अधिशोषण की मात्रा और उसके दाब, गैस के दाब, उनके बीच संबंध बताने वाली जो रासायनिक जो समीकरण होती है, गणितीय समीकरण, उसे कहते हैं अधिशोषण समतापी। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान से समझना। एक गणितीय समीकरण जो किसी निश्चित ताप पर गैसीय अधिशोष्य के दाब P एवं अधिशोषण की मात्रा के बीच संबंध बताती है, अधिशोषण समतापी कहलाती है। अधिशोषण की मात्रा को अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान पर अधिशोषित अधिशोष्य के द्रव्यमान के रूप में व्यक्त किया जाता है, अतः अधिशोषण की मात्रा बराबर x बटे m। अधिशोषण की मात्रा को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, x बटे m। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी की। ये जरूर याद रख लेना आप, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी, यह उन अधिशोषणों पर लागू होता है जहां अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोष्य एक आणविक परत बना लेता है, यानी एक लेयर बनेगा। इसके अनुसार x बटे m इज इक्वल टू k इन टू p की घात 1 बटे n, यह उच्च दाब पर लागू नहीं होती। तो ये जो गणितीय समीकरण दे रखी है ना, ये अधिशोषण समतापी कहलाती है, और इसके बारे में बताया था फ्रेंडलिक ने, तो इसलिए इसे कहते हैं फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। इसमें x बटे m है अधिशोषण की मात्रा, k यहाँ अधिशोषण गुणांक आप इसे कह सकते हो या अधिशोषण स्थिरांक कह सकते हो, P है उस गैस का दाब जो अधिशोषित हो रही है, और 1 अपॉन n, n यहाँ एक कांस्टेंट है, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं हम, ये क्वेश्चन तो पिछले चैप्टर का है, यहां से आएगा हमारा चैप्टर, यहां से आएगा। अब हम बात करेंगे इसी तरीके से जिस तरह हमने फ्रेंडली अधिशोषण समतापी पढ़ी है, इसी तरीके से हम बात करेंगे लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी। इरविग लैंगम्यूर ने सन 1916 में गैसों के अणुगति सिद्धांत के आधार पर एक सामान्य अधिशोषण समतापी को व्युत्पन्न किया। इसे लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी नाम दिया गया। इसके अनुसार x बटे m इज इक्वल टू ए पी अपॉन 1 प्लस बी पी। देखो यहाँ x बटे m तो समझ रहे हैं आप अधिशोषण की मात्रा है, और a और b क्या है, ये दोनों कांस्टेंट है, और p क्या है, गैस का दाब है, जहां a एवं b स्थिरांक हैं तथा इनके मान अधिशोष्य गैस की प्रकृति, ठोस अधिशोषक की प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करती है। किसी ठोस सतह पर गैसों का अधिशोषण निम्न कारकों के द्वारा प्रभावित होता है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, हमने पढ़ लिया कि अधिशोषण समतापी क्या होती है, अधिशोषण समतापी वो होती है जो अधिशोषण की मात्रा, किसी गैस के अधिशोषण की मात्रा और उसके दाब के बीच संबंध को बताती है।
और अधिशोषण समता भी दो तरह की हमने पढ़ी, एक तो फ्रेंडली की और एक लैंगम्यूर की। ठीक है, अब हम अगले स्टेप पर आ गए हैं, ध्यान से समझना। अगला स्टेप है हमारा ये, देखो यहां से स्टार्ट होता है अगला स्टेप। हमने अधिशोषण समतापी के बारे में पूरा पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे किसी ठोस सतह पर। मान लो हमारे पास एक ठोस पदार्थ की सतह है, गैसों का अधिशोषण, उसके ऊपर गैस अधिशोषित होती हैं, निम्न कारकों के द्वारा प्रभावित होता है। कौन कौन से कारक हैं? नंबर एक है ठोस अधिशोषक की प्रकृति, कि वो जो आकर चिपकेगा उसका प्रकृति कैसा है, उसका नेचर कैसा है। किसी गैस के अधिशोषण की मात्रा अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करती है। अधिशोषक उसे कहते हैं जिसके ऊपर कोई चिपकता है आकर, ध्यान रखना। यानी जो ठोस पदार्थ है जिसके ऊपर गैस आकर चिपकेगी, उसकी प्रकृति हमें देखनी है, उसका नेचर कैसा है। ठोस अधिशोषक की प्रकृति, किसी गैस के अधिशोषण की मात्रा अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठोस अधिशोषक के पृष्ठ पर अविशिष्ट बल क्षेत्र जितना अधिक होगा, अधिशोषण की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। अब आपको पता होगा अविशिष्ट बल क्षेत्र कहते हैं असंतुलित बल। ठीक है, असंतुलित बल यानी जैसे बहुत सारी मुक्त संयोजकताएं हों, उसकी सतह पर जितनी ज्यादा अविशिष्ट बल क्षेत्र होंगे यानी असंतुलित बल होंगे, उतना ही ज्यादा गैस उसके ऊपर आकर अधिशोषित होगी। नंबर दो है अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अधिशोषक जो हमारे पास ठोस अधिशोषक है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया कम है या ज्यादा है, कैसा है? अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने पर ताप व दाब की दी गई परिस्थितियों में अधिशोषण की मात्रा भी अधिक होती है। आपका जो अधिशोषक है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा ना, उतना ही ज्यादा गैस उसकी सतह पर आकर चिपकेगी यानी अधिशोषित होगी। तो अधिशोषण की मात्रा अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, ऐसा आप कह सकते हो। नंबर तीन, ठोस पर अधिशोषित होने वाली गैसों की प्रकृति। अब आगे हम गैस के ऊपर जो आकर चिपकेंगी, सरलता से द्रवित होने वाली गैसें जैसे SO2, NH3, HCl और CO2 आदि, स्थायी गैसों जैसे H2N2O2 आदि, स्थायी गैस वो होती हैं जो आसानी से द्रवीभूत नहीं होती हैं, की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से अधिशोषित होती हैं। यानी जो सरलता से द्रवित होने वाली गैसें हैं ना, वे ज्यादा आसानी से और ज्यादा जल्दी अधिशोषित होती हैं किसी ठोस की सतह पर, और जबकि ये गैसें जो हैं H2N2O2, ये सरलता से द्रवित नहीं होती, ये ज्यादा स्थायी होती हैं। भाई यदि H2 और O2 और N2 ठंडी होकर सरलता से द्रवित हो जाया करती तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज्यादा ना होती। आपको पता है हवा में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। और सर्दियों के दिनों में तो मौसम ठंडा हो जाता है, और ठंडा हो जाता है तो ठंड में इस नाइट्रोजन को, और दूसरे नंबर पर वायु में गैस होती है ऑक्सीजन, इन दोनों को ठंडा होकर द्रवित हो जाना चाहिए था, पर ना तो N2 गैस की मात्रा वातावरण में घटती है और ना तो ऑक्सीजन की घटती है। इसका मतलब इन दोनों का तो सबूत है हमारे पास कि ये आसानी से द्रवीभूत नहीं होती हैं। ऐसी गैसों को हम कहते हैं स्थायी गैसें। ठीक है, तो इसलिए लिख रखा है स्थायी गैसों जैसे H2N2O2, ये आसानी से द्रवीभूत नहीं होती, और जब ये द्रवीभूत नहीं हो रही तो ठोस की सतह पर ये आसानी से अधिशोषित भी नहीं होती। जो गैस सरलता से द्रवित होने वाली हैं जैसे SO2, NH3, HCl, CO2, ये गैसें आसानी से द्रवित हो जाती हैं, द्रवीभूत हो जाती हैं, इसलिए ये ठोस की सतह पर ज्यादा चिपकती हैं, ज्यादा अधिशोषित होती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ताप के प्रभाव की। चलो ताप के प्रभाव की बात करते हैं। ताप का प्रभाव, अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, यानी
हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो हमारे पास एक गैस है। गैस क्या, पहले आप, एक सॉलिड है हमारे पास, ये हमारे पास एक सॉलिड है S, और ये है गैस जो इसके ऊपर आगे चिपकेगी। जब गैस चिपकेगी तो रिएक्शन ऐसा होगा कि सॉलिड के ऊपर गैस आकर चिपक गई है और साथ में निकलेगी हीट, ऊष्मा, क्यू ऊष्मा है, और रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकती है। अब मुझे एक बात बताओ, ये S का मतलब क्या है? सॉलिड, ठोस अधिशोषक, जिसकी सतह पर आकर गैस को चिपकना है। और G क्या है? वो गैस है जिसे आकर चिपकना है इसके ऊपर, यानी अधिशोषित होना है। अब ये दोनों एक दूसरे को अधिशोषित, ये मतलब गैस का अधिशोषण इस ठोस की सतह पर हो चुका है, यानी एक दूसरे से चिपक चुके हैं, अधिशोषित हो चुके हैं। पर जब इनके बीच में बॉन्ड बनता है ना, ये आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड के बनने से कुछ हीट निकलती है बाहर, ऊष्मा। तो इन्होंने इसीलिए कहा है कि अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, यानी इसमें हीट निकलती है। ठीक है, हीट निकलती है इसमें। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप इस रिएक्शन में ला शातेलिए नियम के अकॉर्डिंग चलोगे, और मैं आपको कहूंगा कि हम क्या करेंगे कि हम जहां भी अधिशोषण की क्रिया हो रही है वहां आप ताप बढ़ाओगे, यानी ऊष्मा दोगे, ये जो क्यू है इस क्यू का मान बढ़ाओगे, तो आपके समझ में आ रहा होगा कि जब क्यू का मान सर बढ़ाएंगे तो ला शातेलिए नियम के अनुसार हमारा जो रिएक्शन है वो ऐसा कोशिश करेगा कि बढ़ी हुई ऊष्मा को या ताप को खत्म कर दे। और बढ़ी हुई ऊष्मा यानी क्यू का मान खत्म कब होगा, ये जो क्यू है इसका वैल्यू कब खत्म होगा, बढ़ा हुआ मान कब खत्म होगा, जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चलेगी। तो रिएक्शन का स्पीड बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। यदि आप कहीं अधिशोषण की क्रिया हो रही है और वहां आप ताप बढ़ा दोगे तो अभिक्रिया विपरीत दिशा में तेज चलेगी, यानी अधिशोषण का कुछ उल्टा होना शुरू हो जाएगा। अधिशोषण में तो दो पदार्थ आपस में चिपक जाते हैं, पर अधिशोषण का जब उल्टा होगा तो दोनों पदार्थ अलग-अलग हो जाएंगे। यदि ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी तो दोनों पदार्थ अलग-अलग हो जाएंगे, ठोस अधिशोषक भी और गैस अधिशोष्य भी। तो अलग होने को हम कहते हैं विशोषण, ध्यान रखना। क्या कहते हैं? विशोषण। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, अतः विपरीत प्रक्रम या विशोषण ऊष्मा शोषी होता है, यानी उसे ऊष्मा चाहिए। इस कारण यदि इस साम्य के ताप में वृद्धि की जाती है तो ला शातेलिए के सिद्धांत के अनुसार ताप में वृद्धि के साथ विशोषण होता है, अर्थात नियत दाब पर ताप में वृद्धि के साथ अधिशोषण की मात्रा x बटे m, सीमा कह दो या मात्रा में कमी होती है। तो अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाती है? घट जाती है, यानी अधिशोषण कम होगा, विशोषण होगा फिर यदि आप ताप बढ़ाओगे। चौथा प्रभाव है दाब का प्रभाव। अधिशोषण के प्रति इकाई द्रव्यमान तथा गैस के अधिशोषण की मात्रा गैस के दाब पर निर्भर करती है। गैस के दाब पर कैसे निर्भर करती है मैं बताता हूँ। जो अधिशोषण की मात्रा होती है ना, ये एक्स बटे एम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के, दाब में। देखो ये ऐसा होता है कि यदि मैं, जैसे मान लो हम बोर्ड पर इंक से लिखते हैं इस तरीके से, तो हमारी इंक बोर्ड पर क्या होती है? चिपकती है। तो ये भी तो एक प्रकार का अधिशोषण है। और जब हम इसे मिटा देते हैं, जब हम इसे मिटाते हैं इंक को, तो क्या होता है? विशोषण। क्या होता है? विशोषण। तो जब आप लिख रहे तो अधिशोषण हो रहा, और जब आप मिटा रहे तो क्या हो रहा? विशोषण। अब देखो एक बात बताता हूं, यदि मैं अपने मार्कर को बोर्ड पर हल्के से चलाऊंगा तो क्या होगा? पतला पतला लिखा जाएगा, यानी अधिशोषण कम होगा। और यदि हम इस मार्कर को थोड़ा दबा के चलाएंगे तो मोटा मोटा लिखा जाएगा, मोटा मोटा। तो इसका मतलब दाब यदि हम बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ने से क्या होता है? दाब बढ़ने से अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। तो सीधी बात है, यहाँ यही तो बात लिखी हमने।
कि x बटे m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, दाब बढ़ाने पर p क्या है, प्रेशर। यदि किसी भी गैस का दाब ज्यादा होगा तो वह गैस ठोस की सतह पर या द्रव की सतह पर ज्यादा अधिशोषित होगी। इन्होंने तो सिर्फ इतना बात लिखी कि अधिशोषण के प्रति इकाई द्रव्यमान द्वारा, अधिशोषक के प्रति इकाई द्रव्यमान द्वारा गैस के अधिशोषण की मात्रा गैस के दाब पर निर्भर करती है। इन्हें बताना चाहिए था कि गैस के दाब के समानुपाती होती है या अनुक्रमानुपाती होती है। गैस का दाब जितना ज्यादा है उतना ही वो अधिशोषित होगी, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे विलयनों का वर्गीकरण, कि विलयनों का वर्गीकरण आप कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले विलयनों का वर्गीकरण जो करा गया था उसमें बताया गया था कि दो तरह के विलयन होते हैं, एक तो होते हैं क्रिस्टलाब और एक कोलाइड। अब ये क्रिस्टलाब कौन से होते हैं? क्रिस्टलाब वे होते हैं जिनका जलीय विलयन फिल्टर पेपर के आर पार यानी चर्म पत्र के आर पार आसानी से निकल जाता है, उन्हें तो कहा था क्रिस्टलाब। जैसे ग्लूकोज, नमक, जब आप इन्हें पानी में घोल दोगे तो इनका विलयन इतना पतला बनेगा कि वो चर्म पत्र या अर्ध पारगम्य झिल्ली या पार्चमेंट पेपर भी आप कह सकते हो, उसके आर पार आसानी से निकल जाता है, तो उन्हें तो क्रिस्टलाब कहा था, ठीक है। और यदि आप गोंद या स्टार्च को पानी में घोल दोगे और फिर आप फिल्टर पेपर या पार्चमेंट पेपर से छानने की कोशिश करोगे तो आप आसानी से तो नहीं छान सकते, मुश्किल से छानेगा वो बहुत। तो ऐसे पदार्थों को कहा था कोलाइड। कोलाइड शब्द इसलिए दिया था, कोला का मतलब होता है गोंद, कोला का मतलब क्या होता है, गोंद होता है कोला का मतलब, ठीक है। देखो अब जरा, अर्ध पारगम्य झिल्ली से विसरण के आधार पर कि कौन अर्ध पारगम्य झिल्ली में से किस तरीके से निकलता है आर पार, पदार्थों को कोलाइड तथा क्रिस्टलाब में वर्गीकृत किया गया है। अर्ध पारगम्य झिल्ली या चर्म पत्र से विसरित होने वाले पदार्थ जिनका जलीय विलयन के रूप में बात कर रहे हैं हम, क्रिस्टलाब कहलाते हैं, जैसे ग्लूकोज, नमक आदि। जबकि इनसे विसरित न होने वाले पदार्थ जलीय विलयन के रूप में कोलाइड कहलाते हैं, जैसे गोंद, स्टार्च आदि। विलयनों को विभिन्न गुणों के आधार पर निम्न तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। फिर बाद में पता चला कि कोलाइड और क्रिस्टलाब ये जो परिभाषाएं दी गई हैं ये सही नहीं है। फिर बाद में बताया गया यहाँ तो हम गुण लिखेंगे या वास्तविक विलयन, यहाँ कोलाइड विलयन और निलंबन। बाद में बताया गया कि विलयन तीन तरह के होते हैं, एक तो वास्तविक विलयन, एक कोलाइडी विलयन और एक निलंबन। यदि हम इनकी प्रकृति के, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, मेन चीज ये है कणों का आकार। यदि आप एक पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ में घोल देते हो और घोलने से आपको मिश्रण मिलता है, उस मिश्रण में पदार्थ के कणों का आकार छोटा है 10 एंगस्ट्रॉम से, वो पदार्थ जो आपने घोल रखा है पानी में, यदि कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से छोटा है तो उसे आप कहते हो वास्तविक विलयन। और यदि घुलने के बाद पदार्थ के कणों का आकार 100 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा है तो ऐसे घोल को आप कहोगे निलंबन, जैसे पानी में रेत घोल दिया हो। और यदि पदार्थ के कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम और 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में है तो ऐसे घोल को आप कहोगे कोलाइडी विलयन। बस ये बात ध्यान रखनी है आपको, कणों का आकार, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो यदि हम प्रकृति की बात करें तो वास्तविक विलयन समांगी होता है, कोलाइडी विलयन और निलंबन ये दोनों होते हैं विषमांगी, ध्यान रखोगे। कणों की दृश्यता की बात करें तो वास्तविक विलयन पारदर्शी होता है, इसके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं। कोलाइडी विलयन अल्प पारदर्शी होता है, जबकि निलंबन होता है अपारदर्शी। टिंडल प्रभाव वास्तविक विलयन में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा,
जबकि कोलाइडी विलयन और निलंबन में आपको टिंडल प्रभाव देखने को मिलेगा, ध्यान रखोगे। अब हम बात करेंगे कोलाइडी अवस्था की। कोलाइड कोई पदार्थ नहीं है बल्कि पदार्थ की एक अवस्था है जो कणों अथवा अणुओं के आकार पर निर्भर करती है। कोलाइडों के लक्षण, आकार क्या है 10 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में। कोलाइडों के लक्षण, कोलाइडों के लक्षण में पहला, कोलाइडी निकाय विषमांगी होते हैं। इसमें दो प्रावस्थाएं अर्थात परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम उपस्थित होते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था तो उसे कहते हैं जिसे आप घोल रहे हो, और परिक्षेपण माध्यम उसे कहते हैं जिसमें आप घोल रहे हो। यानी परिक्षिप्त प्रावस्था एक विलय जैसी अवस्था है और परिक्षेपण माध्यम एक विलायक जैसा माध्यम है। नंबर दो, कोलाइडी कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। नंबर तीन, किसी कोलाइडी निकाय का रंग उसकी परिक्षिप्त प्रावस्था में उपस्थित कणों द्वारा अवशोषित और प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। यानी वो जो परिक्षिप्त प्रावस्था है वो कौन सी तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और कौन सी तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का वो प्रकीर्णन करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कोलाइडी विलयन का रंग कैसा होगा। नंबर चार, कोलाइडी विलयन फिल्टर पेपर से विसरित हो जाते हैं जबकि चर्म पत्र या जंतु झिल्लियों से विसरित नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे कोलाइडी तंत्र के प्रकार की, कि कोलाइडी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको वैसे नॉर्मली आपको मैंने पहले भी बता रखा है, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूं कि यदि यहां मैं लिखूं परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था, इधर तो लिख दी परिक्षिप्त प्रावस्था, बस यहां मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। परिक्षिप्त प्रावस्था वो चीज होती है जिसे हम घोलते हैं किसी दूसरे के अंदर, जैसे मैं कहूं कि गोंद परिक्षिप्त प्रावस्था है, और यहां मैं लिखता हूं परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम, यानी जिसमें आप घोलते हो, जिसे आप विलायक भी कहते हो विलयन के केस में, वास्तविक विलयन के केस में। तो यदि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की बात हम करें तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको, परिक्षिप्त प्रावस्था जैसे ठोस है, मतलब आप ठोस पदार्थ को घोल सकते हो किसी में, जैसे द्रव है द्रव पदार्थ को भी घोल सकते हो, जैसे गैस है गैस पदार्थ को भी घोल सकते हो। यानी आपकी परिक्षिप्त प्रावस्था तीन तरह की हो सकती है, ठोस द्रव या गैस। इसी तरीके से परिक्षेपण माध्यम भी तीन तरह का हो सकता है, ठोस द्रव और गैस। अब आपको ध्यान से समझना पड़ेगा बहुत, मैं आपको बता रहा हूं कि विलयन जो कोलाइडी विलयन है वे कितने प्रकार के होते हैं। देखो यदि मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक ठोस पदार्थ था और मैंने उसे ठोस पदार्थ में घोल दिया, ठोस को ठोस में घोल दिया, तो ठोस को ठोस में घोलने पर, यदि आप ठोस को ठोस में घोलते हो तो आपको एक कोलाइडी विलयन मिल सकता है, ठीक है। और यदि आप किसी ठोस को द्रव में घोलते हो तो यहां भी आपको एक कोलाइडी विलयन मिल सकता है। कितने तरह का हुआ, दो तरह का। और ठोस को यदि आप घोल देते हो गैस में तो यहां भी एक कोलाइडी विलयन मिल सकता है। तो ठोस पदार्थ को ठोस में घोल दो, ठोस पदार्थ को द्रव में घोल दो, या ठोस पदार्थ को गैस में घोल दो, तो यहां आपको पता चला कि तीन तरह के कोलाइडी विलयन हमें मिल जाएंगे। क्लियर होगी बात। इसी तरीके से द्रव की बात करें, यदि आपने द्रव को ठोस में घोल दिया तो एक तो कोलाइडी विलयन ऐसा बन जाएगा, और यदि द्रव को आपने द्रव में घोल दिया तो एक कोलाइडी विलयन ऐसा बन जाएगा, और यदि द्रव को आपने गैस में घोल दिया तो एक कोलाइडी विलयन ऐसा बन जाएगा।
तीन दुनी छह, छह तरह के कोलाइडिविलियन हो गए हैं। अब यदि हम बात करें कि हमारे पास गैस है, गैस को यदि आप ठोस में घोल देते हो तो एक तो कोलाइडिविलियन ये बन जाएगा, और गैस को यदि आप द्रव में घोल देते हो तो एक कोलाइडिविलियन ये बन जाएगा। अब यहां समझना पड़ेगा ध्यान से, यदि आप गैस को गैस में घोल देते हो, गैस को आपने किस में घोल दिया, गैस में, तो बेटे ये कोलाइडिविलियन बिल्कुल नहीं बनेगा। ये कोलाइडिविलियन नहीं बना, ये बना है वास्तविक विलयन, तो इसे हमें मिटाना पड़ेगा। तो कुल मिला के तीन, तीन दूनी छह और दो आठ, आठ तरह के कोलाइडी विलयन होते हैं। कितने तरह के कोलाइडी विलयन होते हैं? आठ। एक तो ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में, गैस का ठोस में, गैस का द्रव में, बस आठ तरह के कोलाइडी विलयन होते हैं। क्योंकि जब आप गैस को गैस में घोल दोगे ना, तो वो कोलाइडी विलयन नहीं बनेगा, वो बनेगा वास्तविक विलयन। क्या बनेगा वो वास्तविक विलयन बनेगा। ठीक है, अब देखो इस बात को समझो, आप यहां समझते हैं, कोलाइडी तंत्र के प्रकार यहां लिखा हुआ है, कोलाइडी तंत्र के प्रकार, परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम की अवस्था के आधार पर कोलाइडी कण निम्न प्रकार वर्गीकृत किए जा सकते हैं। यहां हम लिखेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था, यानी जिसे आप घोल रहे हो, और उसके आगे है परिक्षेपण माध्यम, यहाँ यानी जिसमें घोल रहे हो, और यहाँ उसके उदाहरण हैं और यहाँ उसका नाम है। अब इन्होंने जो भी क्रम दिया है, उस क्रम को आपको फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको वो क्रम फॉलो करना है जो मैंने आपको अभी सिखाया है। देखो, पहले आप ठोस को ठोस में घोल लोगे। देखो, ठोस को ठोस में घोलना है, ये मिला हमें यहाँ। देखो मैं बताता हूं, ये है, ठोस को ठोस में घोलना है, पहले नंबर पे इसे रखना है आपको। नोट्स में मैंने ऐसे ही लिखवा रखा है, जो जैसे मैं समझा रहा हूं। ठोस को ठोस में घोलने पर जो आपको कोलाइडी विलयन मिलता है, उसे कहते हैं ठोस सॉल्ट, और इसके उदाहरण है रंगीन कांच और रत्न। तो इसे तो रखना है आपको नंबर एक पर। अब ठोस को ठोस में घोल लिया, अब ठोस को हम किस में घोल लेंगे, द्रव में। देखो, ठोस को द्रव में घोलने वाला कहाँ है, ये सबसे ऊपर दे दिया। ठोस को द्रव में घोलने पर जो कोलाइडी विलयन बनता है, उसके उदाहरण, उसे कहते हैं सॉल्ट, जैसे गोल्ड सॉल्ट, स्याही, पेंट, फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसे रखेंगे हम दूसरे नंबर पर। फिर ठोस को घोलना है गैस में, देखो ठोस को गैस में घोल रहे, जैसे सल्फर सॉल्ट, धूल, धुआं, ये सब ठोस के कण हैं जो गैस में घुले होते हैं। जैसे धूल में जो मिट्टी के कण हैं या कार्बन के कण हैं, धुएं में तो सब ठोस हैं, और हवा में घुले होते हैं, जो हवा क्या है, गैस, इसे कहते हैं ठोस एरोसॉल, इसे रखना है हमें तीसरे नंबर पे। तो ठोस को तो घोल दिया हमने तीनों में, अब द्रव को घोलना है तीनों में। तो देखो, द्रव का ठोस में कहाँ है, द्रव को ठोस में ये घोल रखा। देखो, द्रव का ठोस में, जिसे हम कहते हैं जेल, जैसे पनीर और मक्खन जेली, ये ऐसे ही होते हैं, ये है रखना हमें नंबर चार पर। फिर उसके बाद द्रव को ठोस में कर दिया, द्रव को द्रव में ये दे रखा, दूध, वैनिशिंग क्रीम, इसे कहते हैं पायस, इसे रखना है नंबर पांच पर। उसके बाद द्रव को गैस में, देखो द्रव को गैस में यहाँ घोल रखा, कोहरा और धुंध, बादल, यही है, इन्हें कहते हैं द्रवों के एरोसोल, इसे रखना है नंबर छह पर। तो ठोस को तीनों में घोल दिया, द्रव को तीनों में घोल दिया, अब गैस को हमें तीनों में घोलना है। गैस को तीनों में घोलना है, तो आपको गैस को ठोस में घोलने पर, जैसे झामा पत्थर है, फोम रबर है, इसे कहते हैं ठोस फोम, इसे रखना है आपको सातवें नंबर पर। और सबसे नीचे फोम जब बनता है, जब गैस को द्रव में घोलते हैं, जैसे झाग, शेविंग क्रीम, इसे रखना है आपको आठवें नंबर पर।
तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, रखोगे ध्यान, नंबर सीक्वेंस उसी हिसाब से चलना, देखो इस हिसाब से आपका सीक्वेंस जो चलना चाहिए वो इस हिसाब से चलना चाहिए। देख लो अब आप, पहले ठोस का ठोस में, फिर ठोस का द्रव में, फिर ठोस का गैस में, ये तीनों रखो, फिर द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में, ये तीनों रखो, फिर गैस का ठोस में, गैस का द्रव में। क्लियर होगी बात? चलो देखो, प्रकृति के आधार पर कोलाइडी सॉल निम्न दो प्रकार के होते हैं, एक तो द्रव स्नेही सॉल, एक द्रव विरोधी। द्रव स्नेही सॉल नाम से ही पता चल गया होगा आपको, उचित विलायक के साथ पदार्थ को मिलाने अथवा गर्म करने पर सुगमता से प्राप्त होने वाले कोलाइडी तंत्र द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। ये उत्क्रमणीय सॉल होते हैं, उदाहरण जिलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन, गोंद, रबर आदि। यदि इनमें से किसी भी पदार्थ को आप पानी में घोल दोगे तो वो तुरंत घुल जाएंगे और कोलाइडी विलयन बना लेंगे, जो विलायक में घुलकर, विलायक का मतलब परिक्षेपण माध्यम, जो विलायक में घुलकर तुरंत कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, जिन्हें द्रव से स्नेह होता है उन्हें कहते हैं द्रव स्नेही कोलाइड या द्रव स्नेही सॉल। दूसरे होते हैं द्रव विरोधी सॉल। यदि परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य कोई बंधुता नहीं होती, ठीक है, यानी एक दूसरे से कोई लगाव नहीं होता, तो इस प्रकार के कोलाइडी सॉल को द्रव विरोधी सॉल कहते हैं। ये अनुत्क्रमणीय सॉल होते हैं, जैसे आर्सेनियस सल्फाइड, As2S3, फेरिक हाइड्रोक्साइड, गंधक सॉल आदि। यानी यदि मैं आपको कहूं कि मुझे लोहे को पानी में घोलना है, तो लोहा पानी में घुल जाएगा, कोई आसानी से घुल जाएगा क्या लोहा पानी में? तो लोहे का क्या किसी भी धातु का कोलाइडी विलयन बनाना बड़ा मुश्किल है। तो जो विलायक में घुलकर तुरंत कोलाइडी विलयन में बदल जाता है उन्हें कहते हैं द्रव स्नेही सॉल, और जो तुरंत कोलाइडी विलयन प्राप्त आपको जो नहीं हो रहा, बड़ी मुश्किल से कोलाइडी विलयन प्राप्त हो रहा, जिस पदार्थ को आप घोलना चाह रहे वो घुल ही नहीं रहा, तो इसे कहते हैं द्रव विरोधी। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि बताओ गोंद द्रव स्नेही कोलाइड बनाएगा या द्रव विरोधी, तो आप सोचोगे अपने दिमाग में कि गोंद तो एकदम घुल जाएगा पानी में, तो गोंद द्रव स्नेही कोलाइड बनाएगा। और यदि मैं कहूं कि रेत बताओ द्रव स्नेही है या द्रव विरोधी, तो एकदम आपके समझ में आएगा कि रेत तो द्रव विरोधी है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे अब तीसरे प्रकार में, कि तीसरे तरीके से हम कोलाइडों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। पहले तो हमने करा था परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के आधार पर, दूसरा हमने करा परिक्षेपण माध्यम से लगाव के आधार पर, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। तीसरा हम करेंगे आवेश के आधार पर। कोलाइडी सॉल निम्न दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक कोलाइडी विलयन, ऐसे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर धनावेश होता है, ठीक है, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर धनावेश होता है, धनात्मक कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। उदाहरण फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सोल, SnO2, प्रबल अम्लीय माध्यम में जिलेटिन आदि। ये सब ऐसे होंगे कि इनके जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण हैं उन सब के ऊपर क्या होगा, धनावेश होगा, इसलिए हम इन्हें कहते हैं धनात्मक कोलाइडी विलयन। दूसरे होते हैं ऋणात्मक कोलाइडी विलयन, ऐसे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर ऋणावेश होता है, ऋणात्मक कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। उदाहरण AU सॉल यानी सोने का कोलाइडी विलयन, AG सॉल यानी चांदी का कोलाइडी विलयन, और प्लेटिनम सॉल, प्लेटिनम का कोलाइडी विलयन। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे चौथे तरीके से हम कोलाइडों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार के आधार पर। ठीक है, हमने तीन तरीके से कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण कर लिया,
अब चौथा प्रकार है प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार के आधार पर कोलाइड सॉल्व निम्न तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं बहुआणविक कोलाइड, एक होते हैं वृहद आणविक कोलाइड और एक होते हैं संगुणित कोलाइड या सहचारी कोलाइड। अब बहुआणविक कोलाइड क्या है कि विलय करने पर यानी घोलने पर यदि पदार्थ के परमाणु या अणु आपस में संगुणित होकर यानी आपस में मिलकर बड़ा कोलाइडी कण बनाते हैं तो इस प्रकार के कोलाइडी कणों को बहुआणविक कोलाइड कहते हैं। बहुआणविक कोलाइड ऐसे होते हैं कि जब आपने उन्हें किसी विलायक में नहीं घोला तो वे साइज में छोटे रहेंगे यानी वास्तविक विलयन जैसे रहेंगे। वास्तविक विलयन का मतलब तो समझ रहे हैं आप, 10 एंगस्ट्रॉम से छोटा साइज। और जब आप उन्हें घोल दोगे किसी विलायक में तो विलायक में घुलने के बाद वे आपस में मिल जाएंगे और मिलने के बाद उनका साइज 10 एंगस्ट्रॉम से मतलब बड़े बड़े कण बन जाएंगे ना। बड़े बड़े कण ऐसे बनेंगे कि उनका साइज 10 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में आ जाएगा और वो बन जाएंगे अब कोलाइडी विलयन। तो बहुआणविक कोलाइड का मतलब बहुत सारे वास्तविक विलयन के छोटे कणों के आपस में मिलने से बड़े कणों का बनना जिनका साइज कोलाइडी विलयन के कणों के बराबर होता है उसे कहते हैं बहुआणविक कोलाइड। दूसरे हैं वृहद आणविक कोलाइड। वृहद आणविक कोलाइड का मतलब यह है कि जो बड़े बड़े कण थे यानी जिनका साइज 100 एंगस्ट्रॉम से बड़ा था, निलंबन जैसे थे, जब आपने उन्हें पानी में घोल दिया तो वे टूट टूट के उनका साइज इतना छोटा हो गया जितना कोलाइडी कणों का साइज होता है तो उन्हें कहते हैं वृहद आणविक कोलाइड। जब अणु बड़े आकार के होते हैं और परिक्षेपण माध्यम में घुलकर कोलाइडी सीमा तक के कोलाइडी सीमा के कण बनाते हैं यानी टूट टूट के साइज को घटा लिया और निलंबन के कण कोलाइडी कणों के साइज तक पहुंच गए, ठीक है, तो इस प्रकार के पदार्थ को वृहद आणविक कोलाइड कहते हैं। तीसरा होता है संगुणित कोलाइड या सहचारी कोलाइड। ये बिल्कुल वैसा ही है, साबुन साबुन जो है वो संगुणित कोलाइड या सहचारी कोलाइड ही होता है। इसमें क्या होता है कि जब आप साबुन की सांद्रता कम रखोगे पानी में तो वो वास्तविक विलयन की तरह व्यवहार करेगा और जब सांद्रता उसकी बढ़ जाएगी और ज्यादा साबुन घोलते जा रहे पानी में तो मात्रा सांद्रता बढ़ने से वे आपस में जुड़कर एक मिसेल बनाते हैं मिसेल, और मिसेल का साइज 10 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है यानी कम सांद्रता पर वास्तविक विलयन और अधिक सांद्रता पर जुड़ जुड़ के मिसेल बना दिया यानी कोलाइडी विलयन के बराबर साइज अपना कर लिया। तो कुछ पदार्थ निम्न सांद्रता पर किसी माध्यम में घोलने पर सामान्य विद्युत अवघटक की भांति व्यवहार करते हैं लेकिन उच्च सांद्रता पर संगुणित कणों के बनने के कारण कोलाइडी तंत्र की भांति व्यवहार करते हैं। इस प्रकार के पदार्थ संगुणित या सहचारी कोलाइड कहलाते हैं। ये तीनों बातें आपको जरूर समझ में आनी चाहिए, ठीक है। कोलाइडी सॉल के निर्माण की विधियां, कोलाइडी विलयन हम कैसे बना सकते हैं, इसमें एक तो है पेप्टीकरण। ताजे बने अवक्षेप को विद्युत अवघटक मिलाकर कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने के प्रक्रम को पेप्टीकरण कहते हैं। ताजे अवक्षेप में विद्युत अवघटक मिलाओ, कोलाइडी विलयन आपको मिल जाएगा, इसे हम कहते हैं पेप्टीकरण। इस प्रक्रम में प्रयुक्त विद्युत अवघटक को पेप्टी कारक कहते हैं। उदाहरण, ये ताजा बना हुआ अवक्षेप है फेरिक हाइड्रोक्साइड का, इसमें आपने एक विद्युत अवघटक मिलाया फेरिक क्लोराइड जिससे आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन मिल गया है, ठीक है। ताजे बने अवक्षेप में एक विद्युत अवघटक मिलाओ जिसकी जरूरत है और कोलाइडी विलयन प्राप्त करो, इस घटना को, इस क्रिया को हम पेप्टीकरण कहते हैं। उसके बाद कोलाइडी विलयन बनाने की दूसरी विधि है विद्युत परीक्षेपण विधि या ब्रेडिंग आर्क विधि। यह भी मैंने आपको सिखा रखी है। इस विधि द्वारा प्लेटिनम, सोना, चांदी आदि के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। इस विधि में दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत विसर्ग की ऊष्मा से कोलाइडी विलयन बनाया जाता है, ठीक है। बड़ा सा बर्तन था, उसमें चारों तरफ बर्फ थी, नमक था और बीच में ठंडा पानी था और उसमें दो छड़े धातु की डुबाई, उनमें स्पार्किंग करी। उसके बाद है रासायनिक विधियां।
रासायनिक विधियों में सबसे पहले सीखना है अपचयन। अपचयन में जैसे आपके पास सोने का क्लोराइड है, ऑरिक क्लोराइड या गोल्ड ट्राई क्लोराइड कह सकते हो, और इसका स्टेनस क्लोराइड से रिएक्शन कराया, तो देखो एयू के पास तीन सीएल थे, यहाँ कुछ नहीं है एयू के पास, ठीक है, यानी उससे सीएल छीन लिया, उसका अपचयन कर दिया। अपचयन करके इसका सोने का क्लोराइडी विलयन आपको मिल जाएगा। इस प्रकार प्राप्त गोल्ड के को इसके बैंगनी रंग के कारण पर्पल ऑफ केसियस कहते हैं। एक है उभय अपघटन द्वारा, जैसे आर्सेनियस ऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो सल्फर इधर चला जाएगा, ऑक्सीजन इधर चला जाएगा, आर्सेनियस सल्फाइड का कोलाइडी विलयन हमें मिल जाएगा। इसे कहते हैं उभय अपघटन विधि द्वारा कोलाइडी विलयन बनाना। एक होती है ऑक्सीकरण विधि। ऑक्सीकरण विधि में जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड पर ब्रोमीन का रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रोजन यहां से चला गया अलग, सल्फर बचा, ये सल्फर का कोलाइडी विलयन हमें मिल गया। ये सारी होती हैं रासायनिक विधियां। अब हम बात करेंगे कोलाइडी विलयनों के शोधन की। कोलाइडी विलयनों का शोधन अपोहन द्वारा हम करते हैं, जिसमें आपके पास फिल्टर पेपर का एक थैला होता है, पार्चमेंट पेपर का, और उसमें भरा होता है अशुद्ध कोलाइडी विलयन, और उसे जल की धारा में रखा जाता है। तो वास्तविक विलयन के छोटे कण या विद्युत अपघटन के छोटे कण जल की धारा के साथ बहकर थैले से बाहर निकल जाते हैं और अंदर शुद्ध कोलाइडी विलयन बसता है। इसी तरीके से विद्युत अपोहन में हम विद्युत क्षेत्र का प्रयोग करते हैं, जिससे विद्युत अपघटन के धन आयन और ऋण आयन तेजी से बाहर निकल जाते हैं। एक होता है अति सूक्ष्म निस्यंदन, जिसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसमें हम फिल्टर पेपर के जो छिद्र होते हैं उनके साइज को घटाकर फिर फिल्टर करते हैं किसी अशुद्ध कोलाइडी विलयन को, ठीक है। कोलाइडी विलयनों के गुण, टिंडल प्रभाव, आपको पता ही होगा टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। अंधेरे में रखे कोलाइडी विलयन में से जब तीव्र प्रकाश पुंज प्रवाहित करते हैं तो इन किरणों का मार्ग नीले प्रकाश द्वारा दृश्यमान हो जाता है, इस परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये कोलाइडी विलयनों का एक गुण है। और ब्राउनी गति भी आपको पता है ना, कोलाइडी कणों की तीव्र टेढ़ी मेढ़ी यानी जिगजैग गति को ब्राउनी गति कहते हैं। कोलाइडी कणों पर गति करते हुए परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के असमान प्रहारों के कारण ब्राउनी गति उत्पन्न होती है। ब्राउनी गति के द्वारा कोलाइडी विलयन स्थायित्व प्राप्त करते हैं तथा इसके द्वारा अवोगाद्रो संख्या का मान ज्ञात किया जाता है। एक होता है विद्युत कण संचलन। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का इस प्रकार का इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन विद्युत कण संचलन कहलाता है। फिर होता है स्कंदन या उर्णन। दो विपरीत आवेशित द्रव विरोधी सोलों को परस्पर उचित अनुपात में मिलाने पर दोनों सोल एक दूसरे को अवक्षेपित कर देते हैं, इसे इनका पारस्परिक स्कंदन कहते हैं। स्कंदन और उर्णन मैंने सिखा रखे हैं सारी चीजें। फिर हम बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट नियम है हार्डी सुलजे नियम। सॉरी, हार्डी सुलजे नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नियम अनुसार विपरीत आवेश आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है कोलाइडी विलयन के लिए इसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है, ठीक है। जितनी संयोजकता होगी उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ज्यादा होगी। उदाहरण, धनावेशित सोल जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड के लिए ऋणायनों की स्कंदन क्षमता का क्रम निम्न है। देखो, इसकी स्कंदन क्षमता सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसके ऊपर चार इकाई ऋणावेश है,
इसकी स्कंदन क्षमता उससे कम होगी, इसके ऊपर तीन इकाई ऋणावेश है, इसके ऊपर दो, इसके ऊपर एक। तो सबसे अच्छा धनावेशित सॉल का स्कंदन ये करेगा, ठीक है, एफिशियन होल सिक्स माइनस फोर, क्योंकि इसकी संयोजकता या आवेश इसके ऊपर ज्यादा है। इसी तरीके से नीचे दूसरा उदाहरण है, ऋणावेशित सॉल जैसे आर्सेनियस सल्फाइड के लिए धन आयनों की स्कंदन क्षमता का क्रम निम्न है। धन आयन सबसे अच्छा स्कंदन ये करेगा एल्यूमिनियम वाला, क्योंकि इसके ऊपर आवेश सबसे ज्यादा है, इसकी संयोजकता सबसे ज्यादा है, और उससे कम बेरियम आयन और सबसे कम सोडियम आयन। तो यही तो लिखा हुआ, देखो ऊपर हार्डी सुलझे नियम देखो, इस नियम अनुसार विपरीत आवेश आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है कोलाइडी विलयन के लिए इसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्कंदन मान या उर्णन मान की, कि स्कंदन मान या उर्णन मान क्या होता है, ठीक है। किसी विद्युत अपघटक का वह न्यूनतम सांद्रण जो सॉल को स्कंदित करने के लिए आवश्यक होता है स्कंदन या उर्णन मान कहलाता है। दोबारा सुनो, ध्यान से सुनो, किसी विद्युत अपघटक का वह न्यूनतम सांद्रण, वो कम से कम सांद्रता विद्युत अपघटक की जो सॉल को स्कंदित करने के लिए आवश्यक होता है स्कंदन या उर्णन मान कहलाता है। अथवा एक लीटर कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने के लिए विद्युत अपघटक के मिली मोलों की संख्या को उसका उर्णन मान कहते हैं। स्कंदन मान व्युत्क्रमानुपाती होता है स्कंदन क्षमता के, ठीक है। स्कंदन या उर्णन मान को मिली मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं, यह भी ध्यान रखना है। रक्षण क्षमता तथा स्वर्णांक, आपको पता है कि द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड की रक्षा करता है, कि विद्युत अपघटक द्वारा द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन न हो जाए। द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो दिए हुए स्वर्ण के कोलाइडी विलयन के 10 ml में उपस्थित होने पर उसका 1 ml 10% NaCl विलयन द्वारा स्कंदन होने से रक्षण करती है स्वर्ण संख्या कहलाती है। अतः द्रव स्नेही कोलाइडों को रक्षी कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्षी कोलाइड। किसी रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन शक्ति उतनी ही कम होती है। अतः रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या बढ़ने पर उसकी रक्षण क्षमता घटती है, या फिर हम कह सकते हैं रक्षण क्षमता व्युत्क्रमानुपाती होती है स्वर्ण संख्या के, ठीक है। अब हम बात करेंगे कोलाइडी विलयनों के अनुप्रयोग की। साबुन के निर्मलन क्रिया में साबुन किस तरीके से कपड़ों को साफ करता है यह पता होना चाहिए आपको, मिसेल के द्वारा। नंबर दो, फिटकरी द्वारा गंदे पानी को साफ करना, यह प्रोसेस पता होना चाहिए कि फिटकरी जब हम गंदे पानी में डालते हैं तो फिटकरी के एल्यूमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव आयन जो ऋणावेशित अशुद्धियां हैं उनका स्कंदन कर देते हैं जो नीचे बैठ जाती हैं। कोलाइडी अवस्था में औषधियों का अधिक प्रभावी होना, कोलाइडी अवस्था में औषधियां अधिक प्रभावी होती हैं। समुद्र तथा नदी के मिलन बिंदु पर डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। एक थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए नैनो पदार्थ के बारे में। वे पदार्थ जिनका आकार 1 से 100 नैनोमीटर की परास में होता है नैनो पदार्थ कहलाते हैं। इनका उपयोग कहाँ होता है? इनका प्रयोग लघु सुई के रूप में तथा दुर्घटनाग्रस्त रोगियों के रक्त से ऑक्सीजन मुक्त मूलकों के अवशोषण के लिए प्रति ऑक्सीकारक के रूप में, दंत शल्य चिकित्सा आदि में किया जाता है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। हमारा जो पांचवा चैप्टर है उसकी थ्योरी का रिवीजन तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है।
और कल मैं इसके आपको बोर्ड के क्वेश्चन करा दूंगा, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वे सारे क्वेश्चन कल मैं आपको इसके करा दूंगा। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो, ठीक है बेटे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।